मामला फिरोजाबाद का है, जहां हाईवे पर चलती हुई कार बनी आग का शोला। आपको बता दें कि थाना उत्तर क्षेत्र मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल के सामने अचानक से टाटा इंडिगो कार नंबर UP 83W 8495 कुमार मित्तल की है, जो नगला भाव से अपने ऑफिस कोटला चुंगी जा रहे थे। तभी अचानक जिला अस्पताल के सामने पहुंचने पर देखा कि गाड़ी के आगे हिस्से से धुआं निकल रहा है और अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वह अपनी कार से बाहर निकल आए। जानकारी होने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। आग लगने पर कुमार मित्तल ने बताया कि तापमान ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी CNG LPG से नहीं चलती, गाड़ी डीजल से चलती है। तो वहीं फायर कर्मी दुर्गेश ने बताया कि जैन मंदिर के आगे जिला अस्पताल के सामने गाड़ी में आग लग गई, जिसको बुझाने के लिए मौके पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और आग लगने से कोई भी अनहोनी नहीं हुई। ये गाड़ी में आग लगी है, क्या मामला है? आपका कारण कोई चलती हुई गाड़ी में आग लगी तो सब होता है कि गाड़ी जा रही थी उसमें आग लगी। इसमें कोई अनहोनी होने की? इसमें एक ड्राइवर था जो देखा है कि गाड़ी का धुआं निकल रहा है तो तुरंत गाड़ी चलती है। कोई अनहोनी घटना नहीं हुई थी?